सब्सक्राइब कर होने वाली कमाई के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की जांच कर रही साइबर पुलिस के हाथ एक ऐसा आरोपी लगा है जिसने फर्जी बैंक अकाउंट और उन अकाउंट से ऐसी क्रिप्टो करेंसी वैलेट बनाकर करोड़ों की ठगी की है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इंदौर के राज साइबर क्राइम पुलिस को एक निजी कंपनी के मैनेजर द्वारा सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम के माध्यम से फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के नाम पर लाखों रुपए कमाने का लालच देकर 2.5 लाख रुपए की ठगी होने की शिकायत की गई थी। इस मामले में साइबर पुलिस ने दिए गए मोबाइल नंबर पर जब जांच शुरू की तो पता चला कि यह नंबर एक युवती के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो पता चला कि यह नंबर उसका एक रिश्तेदार ऑपरेट कर रहा है। पुलिस ने जब उस रिश्तेदार को हिरासत में लिया तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। इंदौर के राज्य साइबर क्राइम के एसपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में आरोपी इमरान गौरी को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में जब जांच आगे बढ़ी तो इमरान के मोबाइल ने कई राज उगल दिए। इमरान 8वीं पास है लेकिन कंप्यूटर और साइबर का जानकार है, जिसने अपने कई रिश्तेदारों के नाम पर मोबाइल सिम लेकर फर्जी बैंक खाते खोले और इन खातों से क्रिप्टो अकाउंट बनाकर ऑनलाइन गेमिंग कराने वाले अपराधियों को यह अकाउंट किराए पर दिए और जब धंधा चल पड़ा तो इमरान ने कई अकाउंट ऊंची रकम में बेच दिए। पुलिस ने ऐसे 64 से ज्यादा अकाउंट की जानकारी जुटाई है। हैरत वाली बात यह है कि इमरान ने क्रिप्टो करेंसी की 2 वैलेट करोड़ों रुपए में बेचे हैं। ऐसे में साइबर पुलिस भी हैरान है और बाकी 62 खातों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। सर, एक लाइक को सब्सक्राइब के नाम पर डॉलर में कमीशन देने का मामला प्रकरण दर्ज हुआ है, क्या है इसकी पूरी कहानी? देखिए, राज्य साइबर सेल में एक निजी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उनको टेलीग्राम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर यूट्यूब पर लाइक बढ़ाने और दूसरे साइट्स पर लाइक बढ़ाने के नाम पर आकर्षित किया गया और फिर वहां पर उनसे लगभग 2,62,000 रुपये की ठगी हुई थी। राज्य साइबर सेल ने जब इसकी विवेचना की तो ये पाया कि ये जो ठगी का पैसा है उसकी अंश राशि जो है वो इंदौर के एक खाते में गई थी। उस खाताधारक की तलाश की गई तो ये पाया गया कि वो खाता जिस व्यक्ति ने खुलवाया था और जो व्यक्ति उसको संचालित कर रहा था उसका नाम है इमरान गौरी, और इमरान गौरी को जब गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की गई और उसका जो तकनीकी साक्ष्य जो उसके पास हमें मिले उसका विश्लेषण किया गया तो ये पाया गया कि इमरान गौरी जो है वो बड़ी संख्या में बैंक खाते खुलवाकर और क्रिप्टो वॉलेट्स खुलवाकर कई लोगों को, ऐसे लोगों को जो ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग या टेलीग्राम टास्किंग फ्रॉड से जुड़े हैं उनको उपलब्ध करा रहा था, तो इमरान गौरी को इसमें गिरफ्तार किया गया। सर, इमरान गौरी ने अभी तक कुल कितने खाते खुलवाए हुए, कितने लोगों को इस तरह का प्रलोभन दिया होगा, उनको क्या रुपए देता था वो? देखिए, अभी तो प्रारंभिक पूछताछ उससे हुई है, उस प्रारंभिक पूछताछ के हिसाब से 10,000 रुपए प्रति सेविंग बैंक खाता और 50,000 रुपए प्रति कॉरपोरेट बैंक खाता अगर खुलवाया जाता है तो उसमें देते थे। अगर उस खाते की लिमिट, कॉरपोरेट अकाउंट की लिमिट 5 करोड़ है, ये उनके लिए बहुत ही एक आकर्षक खाता होता था तो उसके लिए अलग से 5% कमीशन उसको मिलता था, और जो वो क्रिप्टो वॉलेट बनाता था उसके लिए वो अपना बाइनेंस का उसने एक वॉलेट बना रखा था, उसमें USDT में वह कमीशन लेता था। अभी जाँच जारी है। सर, ये खाते जो उसने खुलवाए हैं लोगों को मतलब धोखा देकर, तो इसने किन किन लोगों को कहाँ कहाँ पे बेचे, प्रदेश देश या अन्य देशों में भी बेचे? देखिए, अभी जो प्रारंभिक हमारी जांच हुई है उसमें ये पाया है कि अधिकांश जो इसने बैंक खाते जो खुलवाए थे वो इसके परिचित लोग थे, इसके रिश्तेदार थे, और उनको ये कह के खुलवाया था कि इसमें ऑनलाइन गेमिंग का पैसा आएगा। और अभी जो हमने इनको इसके साक्ष्य का जो विश्लेषण किया है तो इंदौर के अतिरिक्त पीथमपुर और जावरा में भी इसने कुछ गतिविधि किए हैं। इसके जो मोबाइल है उसमें बड़ी संख्या में लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड जो हैं वो KYC वेरिफिकेशन के लिए उसमें हैं, तो वो लगातार इस तरह के लोगों के खाते खुलवा रहा था। सर, अन्य देशों का भी नाम है कि वहाँ पे भी इसको यूज करने के लिए इस पर बेचा है इनका? देखिए, जब हमने साक्ष्यों का विश्लेषण किया तो पाया कि टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पर, व्हाट्सएप मीडिया पर ये बहुत सारे विदेश के नंबरों से भी संपर्क में है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंग्लैंड, नाइजीरिया आदि देश शामिल हैं और उनकी भी पड़ताल की जा रही है। सर, जो फरियादी है उसके साथ लगभग कितने रुपए की ठगी हुई? ये जो पर्टिकुलर जो केस है जिसमें अपराध दर्ज हुआ था उसमें 2,62,000 रुपए की ठगी हुई है। सर, इससे ज्यादा भी ठगी के मामले उजागर हो सकते हैं? जी हाँ, वो हम प्रयास कर रहे हैं और इसी तरह के मामले जो अन्य राज्यों में ट्रेस किए गए हैं, जैसे हैदराबाद में भी कुछ मामले ट्रेस हुए, तो वहाँ की पुलिस से भी हम संपर्क में।